करते हैं। हम लोग का प्रोग्राम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम अपने भाइयों को, नॉट ओनली मुस्लिम, एवरीबडी, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको हम लोग बुलाते हैं और खुशी खुशी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं। और हम लोग सबसे ऐसे ज्ञान दे सकते हैं कि भाई प्यार मोहब्बत इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज है। हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहें, किसी का कोई जात धर्म पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखते। आज के दिन हम लोग सबको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके एक दूसरे से प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। जो हमारे जिनके नाम पे करें साझा मन जिसके साथ जो वो करते हैं, हम लोग वही काम करते हैं। और आप देखिए यहाँ पे हजारों हजार आदमियों ने खाना खाया है, हमारे जो मोहल्ले के बड़े लोग जो औहदेदार हैं वो लोग सब आकर के हम लोग को दुआ दिए हैं। और आप लोग के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ दुनिया वालों को, दुनिया में प्यार से बड़ा कोई मतलब नहीं है। हम लोग सबको एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, क्योंकि प्यार जो है प्यार से हर एक काम हो सकता है, नफरत से कोई काम नहीं होता। इसीलिए हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार के रहे, प्यार बांटे। देखिए जिंदगी दो पल की, इकबाल साहब के एक शेर में आपको बोलना चाहता हूँ, सामान 100 बरस की पलटी खबर में। तो इसीलिए लड़ाई झगड़ा धर्म का फायदा नहीं, एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहे और पूरे दुनिया में एक प्यार वाला मैसेज दें। लेकिन हम लोग सब इंसान है, हम लोग सब एक दूसरे के भाई बहन, एक दूसरे के साथ प्यार। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ पर इस मंच से चुनाव का जो हुआ समर्थन का घोषणा भी हुआ था, आप लोग किस घोषणा नहीं हुआ? हम लोग क्या किए, हम लोग आज तक मुसलमान लोग जो है आज तक वोट, हम मेरे जनरेशन के जो लोग हैं आज तक कभी भी रमजान के दौरान वोट नहीं किया, क्योंकि रमजान में क्या होता है, हम लोग नमाज तिलावत रोजे में इतना मशगूल रहते हैं कि हम लोग और दूसरे काम पर उसका ध्यान नहीं देते। और क्योंकि वोट देने के लिए सब काम छोड़ करके जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, इस चीज को लेकर लोगों के बीच क्यूरियस है कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग तक जाए, सबको वोट जरूर दें, आप अपना वोट दें, किसको देने दें वो आपकी मर्जी, मगर वोट जरूर दें। 1947 के पर हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, इस बार भी आज़ादी मिलना चाहिए। फिर का दंगाइयों से, चोरों से, मेरा नाम इरफान अली राज है, मैं अब्दुल फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो हम लोग हर साल प्रोग्राम करते हैं, इस प्रोग्राम में हमें कोई चंदा नहीं लेते, हमारा जो ये टीम है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे मिला जुला के प्रोग्राम करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने जो लंगर का इंतजाम किया है वो 10% प्लस लोगों का खाने का इंतजाम है। प्यार मोहब्बत के साथ नियत है, प्यार मोहब्बत के साथ लाना, आप लोगों से दुआ लेते हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी खा के दुआ देखें। थैंक यू वेरी मच।